Hello everyone, welcome to the channel. So let's start with the next topic, and this is part 3rd of Insights December 2019 Current Affairs, and this is the full compilation. If you want to download it, you can simply download it from the internet. So two parts hum already cover kar chuke hain, ye part 3rd hai जहाँ हम अगेन पॉलिटी से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करेंगे. सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ. एक्चुअली आर्टिकल 142 जो हमारा संविधान का आर्टिकल 142 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो डाइवोर्स हैं वो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की वजह से भी डाइवोर्स दे देने चाहिए. नाउ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या है? क्या ये पहले आर्टिकल 142 में नहीं था? अगर ये पहले नहीं था तो क्या बेसिस होते थे डाइवोर्स के? सो लेट्स रीड. तो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है कि जहाँ पर कोई भी स्पाउस या फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं या उनका हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उस बेसिस पर भी जो डाइवोर्स है वो दे देना चाहिए, सो दैट कंप्लीट जस्टिस हो सके. ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है. ठीक है. नाउ ग्राउंड्स क्या हैं हिंदू लॉ में अगर डाइवोर्स लेना है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं, एंड ये जो रुकी एंड लगातार उसके 2 साल तक भी यही सब काम चलता रहता है तो फिर आप जो हैं उनको डाइवोर्स दे सकते हैं. सेक्शन 13 भी ये कहता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इफ बोथ वॉन्ट्स, तो आप जो डाइवोर्स है वो दे सकते हैं. देन एक हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसका सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर जो मैरिज है वो सॉलमनाइज्ड हो चुकी है ऑन द तो उस बेसिस पर भी उस ग्राउंड पर भी मीन्स उस बेसिस पर भी जो है वो डाइवोर्स दे दिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर. नाउ आपने देखा होगा नाइदर ऑफ द टू एक्ट्स, दोनों ही एक्ट्स ने चाहे वो सेक्शन 13 हो हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 का या फिर हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 27 हो, किसी ने भी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं कहा है. सो अब केस क्या है? केस ये है कि भाई रिसेंटली आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पे भी डाइवोर्स दे देना है जुडिशियल सारी मीन्स छानबीन करके, एंड पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज की जाएंगी रेयर केसेस में ही, एंड इन व्यू ऑफ द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन इन हिज बिहाफ, जहाँ पर ये फाउंड किया जाता है कि मैरिज जो है वो टोटली अनवर्केबल है, इमोशनली डेड है, बियॉन्ड सेल्वेज है, एंड हैज़ ब्रोकन डाउन इररिट्रीवेबल वेबली, देन इट शुड बी डाइवोर्स दे सकते हैं ऑन दिस बेसिस. सो द कोर्ट सेड दैट इट इज़ बिलीव दैट नॉट ओनली इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ दिस मैरिज फ्रूटलेस, मीन्स ये एक मतलब ये नहीं है कि देखिए शादी हो गई है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, मीन्स बोथ आर नॉट हैप्पी, फ्रूटलेस मैरिज है, इमोशनल ट्रामा है, दोनों पार्टीज डिस्टर्ब्ड हैं, तो दोनों को बेटर यही है कि दोनों सेपरेट हो जाए. सो आर्टिकल 142 जो है वो यूनिक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, एंड यस इररिट्रीवेबल जो ब्रेकडाउन है उसको रिकमेंड करने की बात लॉ कमीशन ने भी कही थी, 2 बार कही थी कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए अगर हमें फॉर ग्रांटिंग डाइवोर्स टू हिंदूज, ताकि जो जो प्रक्रिया है वो थोड़ी ईजी हो सके, एंड इसको प्रोविजन्स में ऐड करना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी. नेक्स्ट पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ इन लेजिस्लेचर. देखिए अभी एक ये प्रॉब्लम क्यों आई है, आप सभी को पता होगा पहले जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, एंड अभी वो नहीं बन पाए, बहुत सारा ड्रामा हुआ वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं ड्रामा नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा मीन्स सिचुएशन जो थी वो आप अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे, एंड अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ कि जो देवेंद्र फडणवीस थे उन्होंने शपथ भी ले ली थी एंड वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे, लेकिन बहुमत जब साबित करने की बात कही गई तो जो अपोजिशन पार्टी थी शिवसेना की वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने मींस रिज़ाइन कर दिया, एंड वहाँ के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं अब वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है, तो ये फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं. अब ये कहा गया है कि इन्होंने जो ओथ ली
जो न्यू मतलब जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई नए गवर्नमेंट की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है, मीन्स जो शपथ की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब भी कोई मिनिस्टर अपने ऑफिस पर आता है तो गवर्नर जो है वो उसको शपथ दिलाता है, सीक्रेसी की शपथ दिलाता है अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। एंड थर्ड शेड्यूल ये कहता है दैट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और टू सॉलमली अफेयर टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन बातें ध्यान रखिएगा, आइदर स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलमनी अफर्म और एंड टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वर्ड्स बोलने होते हैं आर्टिकल 164 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। नो कैन इट बी ऑल्टर्ड, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? तो आर्टिकल 164 ये कहता है दैट इट इज सेंट, मीन्स जैसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। इफ़ अ पर्सन वॉन्डर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, अगर कोई पर्सन टेक्स्ट में जैसा लिखा हुआ है ऐसे नहीं पढ़ता, तो ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस ओथ को मीन्स इंटरप्ट करके ठीक से शपथ दिलाने की मीन्स जो पर्सन है वो उसको करेक्टली रीड करें। सो गवर्नर का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर कोई पर्सन है एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ एंड अगर वो ओथ को अप्रूव कर देता है तो मैटर क्लोज हो जाता है। एंड इमिडिएटली ऑन टेकिंग द ओथ जो पर्सन है जिसने शपथ ली है वो एक रजिस्टर साइन करेगा, फिर वो जो वो रजिस्टर होगा उसको अटेस्ट करेंगे सेक्रेटरी एंड गवर्नर को दे देंगे। इट मीन्स गवर्नर ने उसको अप्रूव कर दी। तो जब गवर्नर ने उसको एज अ रेड मान लिया है, सेक्रेटरी टू द गवर्नर ने उसको अटेस्ट कर दिया है, गेजेट नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब कोई इशू नहीं है एंड अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो शपथ उन्होंने ली, गवर्नर ने उसको मीन्स मान लिया, एडमिनिस्टर कर लिया एंड साथ में गेजेट नोटिफिकेशन भी आ गया। सो नाउ नथिंग कैन बी डन। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं, इनका रोल क्या है, नीड क्या है, फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या पढ़ना है हमें, परसिस्टेंट अब्सेंटिज्म फ्रॉम मीटिंग्स ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज शुड कॉस्ट एमपीज देयर स्पॉट ऑन दीज पार्लियामेंट्री पैनल्स वॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग व्यू दैट इमर्ज ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ चेयरमैन ऑफ द कमिटी विद राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू रिसेंटली। आप सभी को पता होगा राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं। एंड यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी चेयरपर्सन्स की एंड कमिटीज़ जो थी, अलग अलग कमेटियाँ होती हैं। तो कमेटियाँ क्या होती हैं ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो कमिटीज़ के जो चेयरपर्सन थे उनकी मीटिंग चल रही थी एंड यहाँ पर एक बहुत ही मीन्स पॉइंट आया कि एबसेंट है, मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं एमपीज जो हैं वो एबसेंट हैं। तो क्यों एबसेंट हैं? तो ये रीज़न जो है वो मीन्स थोड़ा इसको स्पॉट में लाना चाहिए। नाउ व्हाई हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज़? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्यों होती हैं? ताकि इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके, एक डिस्कशन किया जा सके कोई लॉ के ऊपर, ठीक है, कोई मतलब स्मॉलर कोहर्ट है लॉ मेकर्स का जो कि असेंबल हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज एंड इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल लॉ मेकर्स। तो वो कुछ ओपनली इंटेंसिव एंड बेटर इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस कर सकें। तो कमेटी जो मीटिंग्स हैं आर क्लोज डोर एंड जो मेंबर्स हैं आर नॉट बाउंड बाय पार्टी व्हिप्स, मीन्स विच अलाउ देम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं एज अगेंस्ट डिस्कशंस इन फुल एंड ओपन हाउसेज। क्योंकि आपको सभी को पता होगा राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशंस करना, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशंस करेंगे तो वो ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। तो एक अगर पहले से ही मीटिंग हो जाएगी तो आप वहाँ पे अपने व्यूज़ जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मे हैव अ ग्रेट एक्यूमेंट बट दे वुड रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद सिचुएशंस। तो अगर एमपी को, किसी एमपी को अपनी कोई बात कहनी है तो अगर वो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, मीन्स अगर हाउस में भी उन्हें कोई बात कहनी है। तो ये जो कमेटी होती हैं यहाँ पे उनको वो एक्सपर्टाइज़ मिलता है ताकि वो कुछ डिटेल में डिस्कशंस कर सके। तो इसीलिए पार्लियामेंट्रियंस के लिए, एमपीज के लिए ज़रूरी है कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस को अच्छे से समझें। तो ये होती हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़। नाउ क्या क्या टाइप हैं कमेटीज़ के? कुछ कमेटीज़ होती हैं स्टैंडिंग,
मीन्स जो अनइंटरप्टेड है एनुअल बेसिस पे बनाई जाती हैं. कुछ होती हैं सिलेक्ट कमिटीज़ जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर बिल के लिए बनाई जाएंगी, एंड जैसे ही वो बिल डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो वो कमेटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ भी डिपार्टमेंटली रिलेटेड होती हैं. तो तीन फाइनेंशियल कमिटीज़ भी हैं, एक तो पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. नाउ पावर क्या है, जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इनको अथॉरिटी मिलती है आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल 118 के अकॉर्डिंग. 105 फॉर द पार्लियामेंट मेंबर्स एंड 118 जो है ऑन पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस. अब ये जो कमिटीज़ हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकती हैं, देखिए जो कमिटीज़ हैं दे डोंट हैव डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज रिसर्च सपोर्ट अवेलेबल. मीन्स उनका जो वर्क है वो तभी इफेक्टिव हो सकता है अगर जो कमिटी है वो फुल टाइम और सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च स्टाफ रखे. तो देन देखिए जो नेशनल कमीशन है वो रिव्यू करती है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें रिसर्च सपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू देम. सो इसके बाद जो मैंडेटरी स्क्रूटनी होती है सभी बिल्स की, उससे भी बेटर प्लानिंग हो सकती है लेजिस्लेटिव बिजनेस की. सो दिस वॉज अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़. देन हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ प्रिविलेज मोशन. प्रिविलेज मोशन क्या है, प्रिविलेज कमिटी क्या है. तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ रिमार्क्स दिए थे. तो प्रिविलेज मोशन क्या है, प्रिविलेज मोशन मीन्स एमपीज़ के पास कुछ राइट्स कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें. एंड अगर किसी भी पर्सन की राइट या इम्यूनिटी को डिसरिगार्ड किया जाएगा तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा एंड उसे लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नाउ इसे कौन मूव कर सकता है और कैसे, एक नोटिस देना पड़ता है, कोई भी मेंबर ऑफ आइदर हाउस वो दे सकता है कि भाई ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है. एंड ईच हाउस, हर हाउस मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल्सो क्लेम्स द राइट टू पनिश एज कंटेम्प्ट एक्शन वाई नॉट ब्रीच ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज. और राइट ने रूल्स क्या हैं प्रिविलेज के लिए, तो आपका जो लोकसभा रूल बुक है ठीक है उसका तो है चैप्टर 20 रूल नंबर 222, एंड अगर राज्यसभा है तो उसका है चैप्टर 16 एंड रूल नंबर 187. दोबारा बता देती हूँ, लोकसभा का चैप्टर 20 एंड रूल नंबर 222, वहीं राज्यसभा का चैप्टर 16 एंड रूल नंबर 187. ये कहता है कि कोई भी मेंबर स्पीकर या चेयरपर्सन की कंसेंट से एक क्वेश्चन उठा सकता है जिसमें अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आइदर ऑफ अ मेंबर और ऑफ द हाउस और ऑफ ए कमेटी देयर ऑफ. तो ये जो रूल्स है ये मैंडेट करते हैं कि नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू द इंसिडेंट ऑफ रिसेंट अकरेंस, अभी कुछ हुआ हो, एंड देर शुड बी द नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द हाउस. अब जो स्पीकर होगा या जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, जैसे अभी वेंकैया नायडू जी हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, तो इनका क्या रोल है, ये सबसे पहले देखेंगे कि जो मोशन मूव किया गया है ये ठीक भी है या नहीं है. स्पीकर एंड चेयरपर्सन कैन डिसाइड ऑन द प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड फिर ये पार्लियामेंट के प्रिविलेज कमेटी को इसको रेफर कर देंगे. जो स्पीकर होंगे वही रूल नंबर 222 हो गया लोकसभा के लिए, एंड द मेंबर कंसर्न्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट. नाउ व्हाट आर द प्रिविलेजेस कमेटी, अभी बताया ना कि ये प्रिविलेज कमेटी को मूव कर देंगे. तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है वो एक नॉमिनेट करता है एक कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं पार्टी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, एंड रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है हाउस को फॉर द कंसिडरेशन. यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद से ही आधे घंटे का जो डिबेट है वो अलाउ कर सकता है, एंड स्पीकर जो है वो फाइनल ऑर्डर्स भी पास कर सकता है. सो इस तरीके से ये सब काम होता है. अ रिजोल्यूशन में देन मूव्ड रिलेटिंग टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दैट हैज़ बीन यूनैनिमसली पास. राज्यसभा के अंदर जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होगा वो हेड बनेगा किसका, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस का, जिसके अंदर क्या होंगे 10 मेंबर्स. तो ध्यान रखना है लोकसभा का चैप्टर 20 रूल नंबर 222, राज्यसभा का चैप्टर नंबर 16 एंड रूल नंबर 187. ठीक है, लोकसभा के अंदर जो कमेटी बनेगी प्रिविलेजेस की उसके अंदर होंगे 15 मेंबर्स, राज्यसभा की जो होगी उसमें बनेंगे 10 मेंबर्स. अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की.
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, नीड क्या है, फंक्शंस क्या हैं एंड उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक बिल रेफर किया है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज के अंदर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है। एंड ये किसको रेफर किया है बिल, टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस। अभी हमने फाइनेंशियल की भी तीन कमिटीज़ पढ़ी थी, जिसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो रह चुके हैं, वो इसके मेंबर भी होंगे। ये जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी फाइनेंस की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कमिटीज़ देख लेते हैं। कुछ कमिटीज़ हमारी स्टैंडिंग होती हैं, मीन्स जो अनइंटरप्टेड है, एनुअल बेसिस पे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। कुछ होती हैं सिलेक्ट कमिटीज, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल भी होती हैं, फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, तीन होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडर टेकिंग्स। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 105 में मिलती है, ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड आर्टिकल 118 में मिलती है, ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो कमिटी जो हैं वो यूजुअली एग्जॉस्टिव होती हैं एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड ऑल। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की क्यों ज़रूरत है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस अगेन, एंड दिस इज़ अगेन द सेम थिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाउ ये क्या है, गवर्नमेंट जो है वो चेन्नई में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच बनाने के लिए जा रही है, दैट इज़ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच इन चेन्नई। नाउ देखिए, NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, ये सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 410 के अंदर आता है, ठीक है। 410 के अंदर आपका NCLAT आता है, ये अपील सुनता है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ देखिए अपीलेट है ना, तो मींस पहले किसी ने रिजल्ट दे दिया है, मींस किसी ने ऑर्डर दे दिया है, वो किसने दिया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। एंड अगर उसके खिलाफ कोई अपील सुननी है तो वो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, NCLAT के अंदर। ये जून 2016 से चल रहा है, यह अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है NCLAT के अकॉर्ड अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, यह अपीलेट ट्रिब्यूनल है फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय, अगर IBC दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ IBC ने भी अगर कोई ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट भी आप इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। साथ में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी अगर आपको जाना है देन यू कैन गो हियर, अगेंस्ट मतलब डिसीजन के अगेंस्ट। नाउ NCLAT के अंदर होता कौन है, जो प्रेसिडेंट होगा, चेयरपर्सन होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, इनको अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रिब्यूनल को, चेयरपर्सन को एंड जुडिशियल मेंबर्स को। जो मेंबर्स होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के और जो टेक्निकल मेंबर्स होंगे वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाएगा। उस कमेटी में कौन कौन होंगे, अभी मैंने आपको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन जो चेयरपर्सन होंगे, उसके बाद एक मेंबर होंगे, चार मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन कौन होंगे, एक मेंबर तो होगा या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज हो। देन एक मेंबर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, एक मेंबर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी, एक मेंबर होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी। तो ये कमेटी गठित की जाएगी एंड फिर इसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। देन देखिए, बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी बिल 2019 के बारे में। ये भी पार्लियामेंट ने ले लिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल 2019। अब ये क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस के लिए है जो कि करंटली कैरीड आउट हो रही हैं फाइनेंशियल सेंटर्स में। कौन कैरीड आउट कर रहा है, इंडियन कॉरपोरेट एंटिटीज़ एंड ओवरसीज ब्रांचेज कैरीड आउट कर रहे हैं। एंड
जो ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं जो इंडिया को ऑफर करती हैं, जैसे बिजनेस या एनवायरनमेंट, जो कि कंपेरेबल हो एंड यू कैन कंपेयर इट टू द अदर लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स इन द वर्ल्ड लाइक लंदन एंड सिंगापुर. तो ये इंडियन कॉरपोरेट्स को एक तरीके से इजी एसेस प्रोवाइड करता है टू कि वो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल मार्केट्स को असेस कर सकें. क्या IFSC, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज. ऑल राइट, तो ये आपका नाउ कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ. जैसे फंड कैसे रेज कर सकते हैं, एसेट्स को कैसे मैनेज करें, वेल्थ को कैसे मैनेज करें, टैक्स को कैसे मैनेज करें, ट्रेजरी को कैसे मैनेज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज़ कैसे रखें. ओके, देन देखिए जो बिल है वो एक अथॉरिटी सेटअप करेगी, दैट इज़ IFSC, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो इसकी मैनेजमेंट होगी. एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे RBI, ठीक है, सेबी, वन मेंबर होंगे ईच, ठीक है, RBI में उसे होगा, सेबी से होंगे, IRDAI से होगा, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड PFRDA से एक मेंबर होगा, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. टू मेंबर्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एंड टू अदर होल टाइम और फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स. तो इस तरीके की इसकी अथॉरिटी रहेगी. अथॉरिटी के काम क्या होंगे, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें रेगुलेट करना, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा हो टाइम टू टाइम, रिकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच मे बी परमिटेड इन द IFSC. अथॉरिटी की पावर ये है कि जो भी पावर एक्साइसेबल हो RBI, सेबी, IRDAI से के थ्रू या PFRDA के थ्रू, तो वो सिर्फ अथॉरिटी ही यूज़ करे और कोई यूज़ ना करे. एंड किस कुछ लोगों को परमिट भी होगा, बट देयर आर सम कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. नाउ हु इज़ कवर्ड, सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स आर कवर्ड जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के तहत बनी हूँ. पहला जो IFSC था वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर के अंदर बना था. तो इसके फ़ायदे मल्टीपल रेगुलेटर्स को भी होंगे, RBI, सेबी, IRDAI को भी होगा, ठीक है, तो एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा. अब बात करते हैं GST काउंसिल के बारे में. आई नो कि बैक में आपको थोड़ा शोर आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली मैं वीडियोस नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो कल से मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको पीछे से शोर ना आए. आज आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. सो GST काउंसिल पढ़ते हैं आप. GST काउंसिल का कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड उसके कुछ की फैक्ट्स पढ़ेंगे, एंड देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं जो GST से एसोसिएटेड हैं, रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, एंड क्या क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं. तो देखिए, ऑल पावरफुल GST काउंसिल की 38th मीटिंग हुई एंड हैज़ वोटेड फॉर यूनिफॉर्म रेट ऑफ 28% ऑन लॉटरीज अक्रॉस द कंट्री. तो आप एक एक 28% ध्यान रखें. टू फैसिलिटेट द सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पार्क्स, काउंसिल हैज़ डिसाइडेड ऑल एंटिटीज विद 20% ओनरशिप बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST पेबल फॉर लॉन्ग टर्म लैंड लीजेस फ्रॉम January 1, 2020. तो देखिए, वो कंपनीज या वो एंटिटीज जिसके अंदर 20% ओनरशिप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उसमें GST काउंसिल के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगी. किसके लिए? सिर्फ लॉन्ग टर्म लैंड लीजेस के लिए. लेकिन अगर पहले क्या था, पहले ये था कि जिसके अंदर 50% गवर्नमेंट शेयर्स हैं वो एग्जम्प्ट थे, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर 20% भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी. GST काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि एक देखिए, GST इसीलिए लाया गया ताकि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग GST. टैक्स रेट डिक्टेट करना, टैक्स में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स लॉस क्या होंगे, टैक्स डेडलाइंस क्या होंगी, इन सब के बारे में GST काउंसिल डिसाइड करती है. GST काउंसिल जो है वो स्ट्रक्चर्ड कैसे है, जो हमारा जो GST है उसे गवर्न करते हैं GST काउंसिल, एंड आर्टिकल 279 सबसेक्शन 1,
राइट, ध्यान रखिएगा 279 सबसेक्शन 1 ऑफ द अमेंडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने स्टेट किया है, मींस कहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा विद इन 60 डेज जब से आर्टिकल 279 ए शुरू हो जाएगा. सो जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है सेंटर एंड स्टेट्स का. इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एंड जो रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस है उसका जो चार्ज है वो संभालते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट. एंड जो मिनिस्टर हैं इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जिसे कोई स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करे. तो एक होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं आपके रिवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मेंबर के उस पर काम करते हैं, एंड एक नॉमिनेटेड होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट. देन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस आर्टिकल 279 ए के सबसेक्शन 4 ने ये कहा है कि जो काउंसिल है वो रिकमेंडेशंस देगी यूनियन को एंड स्टेट्स को ऑन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कौन से एग्जम्प्ट होंगे फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. नेक्स्ट हेडलाइन पे आते हैं, सेंटर स्टॉप्स ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिंस. सेंटर ने जो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिंस है वो ख़त्म कर दी है. तो इसके बाद लिए हम पढ़ेंगे DCGI को, दैट इज़ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसने कहा है सभी स्टेट्स एंड सभी यूनियन टेरिटरीज को कि वो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ड्रग्स को ऑनलाइन फार्मेसीज के थ्रू सेल ना करें. बैकग्राउंड क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में एक ऑर्डर दिया कि सभी जो इलीगल या जो अनलाइसेंस्ड ऑनलाइन सेल हो रही है मेडिसिंस की, एंड उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा जब तक गवर्नमेंट जो है वो कोई रूल नहीं बनाती ई फार्मेसीज के लिए. तो ऑनलाइन फार्मेसीज अभी काम कैसे कर रही हैं इंडिया के अंदर, ऑनलाइन फार्मेसीज जो हैं वो काम कर रही हैं विदाउट अ ड्रग लाइसेंस, तो उनके पास कोई रूल्स नहीं है इसमें. तो अब इशू क्या रहा, इशू ये रहा कि एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो गई कोर्ट के अंदर, जिसने कहा कि ऑनलाइन इलीगल सेल हो रही है मेडिसिंस की, जिसकी वजह से ड्रग एपिडेमिक फैल रहा है, ड्रग अब्यूज फैल रहा है, मिसयूज़ हो रहा है हैबिट फॉर्मिंग का एंड अडक्टिव ड्रग्स का. तो PIL ने ये भी कहा कि जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं होगा इसको कंट्रोल करने के लिए, तो उससे हेल्थ और जो लाइफ होगी लोगों की वो हाई रिस्क पे अफेक्ट होगी, एंड उनकी आर्टिकल 21 के अंदर है ना राइट टू लाइफ, तो वो भी अफेक्ट होता है. तो इसके लिए ई फार्मेसीज ने कोर्ट को कहा कि उन्हें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेल नहीं करते बल्कि वो सिर्फ डिलीवर करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक हमारा फूड डिलीवरी ऐप है स्विगी एंड ऑल. दूसरे रिस्क क्या होते हैं, देखिए अगर आप ड्रग्स ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको फेक या इलीगल ड्रग्स मिल सकते हैं. दूसरा, उसके ऊपर हो सकता है कोई फॉर्ज या कोई प्रेस्क्रिप्शन ही ना हो, अल्टीमेट यूज़र का आप वेरिफिकेशन की कमी रह जाती है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, क्रिटिकल हेल्थ डाटा को हम जो ऑनलाइन जनरेटेड है उसको अब्यूज़ कर सकते हैं, एंड मिसहैंडलिंग भी हो सकती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट आर द ड्राफ्ट रूल्स, जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसने सितंबर 2018 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया कि जो ड्रग्स हैं वो ई फार्मेसीज के थ्रू सेल किए जाएंगे. ठीक है, सितंबर 28 में, लेकिन फिर उन्होंने उसको अमेंड किया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है इन ई फार्मेसीज का एंड इनके फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए. तो अब हम थोड़ा सा ये ड्राफ्ट की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं. सभी ई फार्मेसीज कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होंगे विद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. देन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या फिर हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिंस जैसे कि कफ सिरप हो गए, स्लिपिंग पिल्स हो गई, शेड्यूल एक्स ड्रग्स हो गए, इनको ऑनलाइन सेल नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ई फार्मेसीज होंगे उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी लाइसेंस लेना होगा ताकि वो मेडिसिंस को ऑनलाइन सेल कर सकें. जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस होगी उसके लिए 50,000 रुपीज़ भी जमा करने होंगे, एंड जब आपको मीन्स जो IT एक्ट 2000 है उसके प्रोविजंस को भी कंप्लीट करना होगा. पेशेंट की जो भी डिटेल्स होंगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी एंड उन्हें किसी और पर्सन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती है. किसी भी ड्रग का सप्लाई जो है वो अगेंस्ट अ कैश और क्रेडिट मेमो जनरेट जो होता है थ्रू ई फार्मेसी पोर्टल, उसे मेंटेन किया जाएगा बाय द ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर. सेंट्रल और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज मॉनिटर करेंगे सेल को एंड ट्रांजेक्शन्स को ई फार्मेसीज को, एंड अगर इनका कोई भी वॉयलेशन होता है रूल्स का तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन को या सस्पेंड भी किया जा सकता है.
वो प्राइमेसिस जहाँ पे ई फार्मेसी ऑपरेट हो रही है वो मीन्स वहाँ पे इंस्पेक्शन होंगी विल बी कंडक्टेड एवरी 2 ईयर्स. नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर रेगुलेशन. जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है सेंट्रल ड्रग स्टैटिकल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि अपॉइंट की ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी ने, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि ऑनलाइन सेल जो है मेडिसिन का वो जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसका कॉन्ट्रावीन करता है. तो लेकिन फिर भी लाखों जो ड्रग्स है वो इंटरनेट पे हर दिन सेल हो रहे हैं एंड कुछ जो है वो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस भी हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कॉज होता है, जो कि सिर्फ थ्रेट पेशेंट के लिए नहीं, पेशेंट के लिए ही नहीं है बल्कि आगे भी बाकी ह्यूमन बींग्स के लिए भी है. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑर्डर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इश्यूज हैं, सब पढ़ते हैं. स्पेशल कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, डायमंड बिजनेसमैन है नीरव मोदी, आप सभी को पता होगा, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक फ्रॉड केस किया 2 बिलियंस का. देन ये एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर रहा. नाउ देखिए की फैक्ट्स क्या थे. नीरव मोदी सेकेंड बिजनेसमैन है जो कि आफ्टर लिक्वर टाइकून विजय माल्या, आप सभी को पता होगा, जो कि दिवालिया घोषित हो गए एंड भगोड़े भी घोषित हो गए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी घोषित हो गए अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो कि अगस्त में हुआ था लास्ट ईयर. नाउ इशू क्या है, देखिए जो नीरव मोदी हैं एंड उनके जो अंकल हैं चौकसी, इन कॉनिवेंस विद सर्टेन बैंक ऑफिशियल्स उन्होंने चीट किया पीएनबी के साथ और 14,000 करोड़ जो हैं वो फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से उन्होंने ले लिए. अब ये जो LOUs हैं यानी कि जो लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स हैं इनको फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर इशू किया गया पीएनबी की मुंबई ब्रांच ने एंड उन कंपनीज को इशू कर दिया जो कि नीरव मोदी को बिलोंग करती हैं सिंस मार्च 2011. सो दिस इज़ द इशू. नाउ अब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, देखिए जो नीरव मोदी है वो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है इन केस से, लेकिन उसको भी मीन्स जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसके अकॉर्डिंग उसको भी नेम कर दिया गया है. तो देखिए जो डेफिनेशन है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की, कोई भी पर्सन ऑफेंडर कहलाया जा सकता है इस लॉ के अंडर अगर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट शामिल किया जाता है, कम से कम 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो और वो इंडिया से भाग गए हों ताकि लीगल एक्शन ना लिया जा सके, तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाता है. प्रोसीजर ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है स्पेशल कोर्ट में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट किया गया है और इन्फॉर्मेशन बताई जाती है. स्पेशल कोर्ट एक नोटिस इशू करता है पर्सन के लिए कि वो इस प्लेस पे आएंगे और नोटिस इशू करने के बाद से कम 6 हफ्तों तक वो मींस एक तरीके से कहीं जा भी नहीं सकते हैं. फिर प्रोसीडिंग्स विल बी टर्मिनेटेड इफ़ द पर्सन अपीयर्स एंड अगर पर्सन अपीयर नहीं होता है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मान लिया जाता है. देखिए पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तब माना जाएगा एंड विद इन 30 डेज ऑफ सच डिक्लेरेशन. जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर जो पर्सन है जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिए तो उसे चैलेंज करना होता है फॉर द प्रोक्लेमेशन इन द हाई कोर्ट. देन देखिए पढ़ते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल. सो डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसे कैबिनेट ने पार कर दिया है, पारित कर दिया है. पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो था वो पार्लियामेंट में लाया गया एंड इस बिल की 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि प्रीवियसली इंक्लूड नहीं थे, जिसे कमेटी ने बनाया है एंड रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णन की के हेड थे वो, उसके अंदर एक कमेटी बिठाई गई एंड उन्होंने एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाए. नौ 3 इम्पॉर्टेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल सेंसिटिव एंड जनरल. सेंसिटिव जैसे कुछ पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डाटा, हेल्थ डाटा हो गए, क्रिटिकल डाटा जो गवर्नमेंट के थ्रू करेक्टराइज्ड हों और राइट, एंड जनरल डाटा जो नॉन क्रिटिकल एंड नॉन सेंसिटिव हों. अदर की प्रोविजन्स ये हैं, डाटा प्रिंसिपल बिल के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल होगा, इट इज़ द इंडिविजुअल जिसका डाटा स्टोर या प्रोसेस किया गया है. एग्जेम्पशन क्या है, इफ गवर्नमेंट इज क्वालिफाइड टू ऑर्डर एनी डाटा फिड्यूशरी टू एक्वायर पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डाटा फॉर द सेक ऑफ रिसर्च एंड फॉर पर्सनल सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. सोशल मीडिया कंपनीज, वही कंपनीज, इसका कोई खास वो नहीं है.
तो बस आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी रहेगा इतना। ये देख लीजिए, वाई देयर आर कंसर्न्स ओवर द बिल। तो जो बिल है वो टू साइडेड सोर्ड है। एक तो ये पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करती है बाय एम्पावरिंग देम विद डाटा प्रिंसिपल राइट्स, एंड ऑन द अदर हैंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी गिव करती है विद द एग्जेम्पशंस विच आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा। मैं इसको कल आपको एक बार और बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें आप वीडियो को, एंड वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।